लास्ट ईयर हम लोगों ने साथ में ओपनिंग की है तो इस साल भी मैं बहुत एक्साइटेड था उनके साथ बैटिंग करने में और अभी भी एक्साइटमेंट होती है जब सामने आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है और आपको जितना भी आप टीवी पे बैटिंग करते हुए देख लें अच्छे प्लेयर्स को बट आप मेरा जो एक्सपीरियंस है सामने से पिच पे बैटिंग करने का वो बहुत सारी चीज़ें स्लो मोशन में मेरे माइंड में चल रही होती हैं कि किस तरह वो खेल रहे हैं और क्या मैं इस चीज़ से सीख सकता हूँ पिछले कुछ सालों से उस जगह उन्होंने फिनिश नहीं किया जिधर कराची को हमेशा करना चाहिए तो आई थिंक हम सब के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है चैलेंज है कि हम कराची को जिन हाइट्स पे कराची को रहना चाहिए उधर इनशाला वापस लेकर जाए तो बिल्कुल एक्साइटमेंट यही होती है कि अपना पी जो है उस अपने लीग में अच्छा परफॉर्म करें ताकि पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो क्योंकि आप देखें वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो उसके लिए टू बी ऑनस्ट वेरी एक्साइटेड देखिए किसी की भी कमी जो है वो ऑबली मुश्किल होता है फिल करना लेकिन राशिद खान जैसे प्लेयर की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन इसको हम जिस तरह सोच रहे हैं हम ये सोच रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी है उस बच्चे के लिए पाकिस्तानी बच्चे के लिए जो हमारे पास इस वक्त है लेग ब्रेक बॉलर है पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन कल शुरू हो रहा है जी हां शाइकिन का इंतजार अब खत्म होने को है पीएसएल की जो रौनक है वो दोबारा अब स्टेडियम में नजर आएगी चार मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर ये लीग हो रही है शायक हो या खिलाड़ी हो पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का जो असल मतलब है वो है पैशन शाइन एंड लव तो अब देखते हैं कि ये पी जो है इस मरतबा कितना अपना रंग जमाती है टीमों का हम इस तज् में जायजा लेंगे उनकी कारदगी का उनके खिलाड़ियों के बारे में भी और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वक्त के साथ साथ इस पी की चमक मत मान तो नहीं पड़ रही इसकी वजह यह है कि इन दिनों लीग्स बहुत हो रही हैं फ्रेंचाइज लीग की जो कहना चाहिए भरमार है कहीं हमें बिग बैश नजर आती है कहीं आईपीएल तो कहीं कैरेबियन लीग इस वक्त भी बांग्लादेश में प्रीमियर लीग जारी है यूएई के अंदर इंटरनेशनल टी टी20 लीग चल रही है कुछ दिनों पहले جنوبی अफ्रीका की टी20 लीग खत्म हुई है तो इन तमाम लीग्स में अब खिलाड़ियों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन आ चुके हैं खिलाड़ियों के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शन हैं कि वो अपनी पसंद से अपनी मर्जी से जो है किस लीग का इंतखा करते हैं जाहिर सी बात है कि पैसा जहाँ पर भी जिनको ज्यादा नजर आएगा खिलाड़ियों को वो वहाँ ही जाएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अब ये जो सूरत हाल है कि बहुत ज्यादा लीग्स बहुत ज्यादा खिलाड़ियों के ऑप्शंस तो पीएसएल के लिए भी जो है सूरत हाल किसी चैलेंज से कम नहीं है तो आज हम देखते हैं कि किस टीम में कितना दमखम है और सूरत हाल जो है वो किस टीम के लिए कितनी आ, कहना चाहिए कि आ, फेवरेट टीम है किस तरह की परफॉर्मेंस जो है उनके खिलाड़ियों की तरफ से सामने आ सकती है पहले हम जिक्र कर लेते हैं डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर का जी हाँ लाहौर कलंदर की टीम पिछले दो साल से जो है वो फातह बन रही है और इस बार भी बज़ाहिर बड़ी मज़बूत टीम बैलेंस टीम के तौर पर वो नज़र आ रही है पेपर पर जिसमें अगर हम बॉलिंग देखें तो कप्तान शाहिनशाह आफरीदी मौजूद हैं उनके साथ हारिस रोफ़ जमान ख़ान ये जो उनका जो पेस अटैक है वो बहुत ही ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहा है जबकि बैटिंग के अंदर अब्दुल्ला शफीक फ़खर जमान डेविड वीज़े सिकंदर रज़ा ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो किसी भी वक्त खेल का पांसा पलट सकते हैं लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर जो आ रहा है वो है शाहिनशाह आफरीदी की कारकर्दगी के बारे में उनकी स्पीड कम हुई है उनकी फॉर्म फिटनेस के बारे में अक्सर अब हम देखते हैं कि बातें हो रही हैं तो अब देखना ये होगा कि इस पी में वो कितनी आबोताब और कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो परफॉर्म करने में कामयाब होते हैं मैंने जहमत दी लाहौर कलंदर के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राणा साहब को और उनके सामने कुछ सवाल रखे कि क्या आपको नज़र आ रहा है इस बार लाहौर कलंदर की जो कारदगी है वो कैसी रहेगी कितने आप पुरीद हैं और सबसे अहम बात ये है कि लेग स्पिनर राशिद ख़ान की कमी कितनी शिदत से महसूस होगी और क्या आप समझते हैं कि आपकी टीम इस काबिल है कि अपनी जो जीत की जो है हैट्रिक है वो मुकम्मल कर सके लगातार तीसरा साल वो कामयाबी हासिल कर सके नहीं मैं समझता हूँ इजाफी प्रेशर तो नहीं है बट इजाफी कॉन्फिडेंस जरूर है क्योंकि जब आप एक दफ़ा जीतते हैं आप में कॉन्फिडेंस आता है दोबारा जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस रीश्योर होता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो कोर है अगर वही लड़के आपके साथ हैं तो फिर आपका बिलीवेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है तो मैं समझता हूँ प्रेशर से ज़्यादा इट्स मोर ऑफ अ कॉन्फिडेंस जिसको हमें मेक शोर करना है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो मेरा नहीं ख्याल कोई ख़ास चैलेंजेस है पी में एक चैलेंज ज़रूर ये है कि बाकी टीमें जो हैं वो पिछले दो साल से कोशिश कर रही हैं लाहौर को कैच अप करने की और वो हर uh, लम्हा ये कोशिश करती हैं कि वो बेहतर से बेहतर करें और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि वो उन्होंने लाहौर को एक एज ए फोर्स रेकग्नाइज़ करके हमारे खिलाफ़ प्लानिंग की होगी वर्क किया होगा बट अगेन ऑब्वियसली अगर हमने वी नीड टू स्टेप अहेड ऑफ़ द गेम दैन वी नीड टू बी स्टेप अहेड ऑफ़ द गेम देखिए किसी की भी कमी जो है वो ऑबियसली मुश्किल होता है फिल करना लेकिन राशिद खान जैसे प्लेयर की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन इसको हम जिस तरह सोच रहे हैं हम ये सोच रहे हैं कि ये अपरचुनिटी है अपॉर्चुनिटी है उस बच्चे के लिए पाकिस्तानी बच्चे के लिए जो हमारे पास इस वक्त है लेग ब्रेक बॉलर है आ, हमें उम्मीद है ऑब्वियसली वो यंगस्टर है वो राशिद खान तो नहीं बन सकता लेकिन हम ये समझते हैं कि वो अगर परफॉर्म करेगा तो इंशाल्लाह आगे चल के लाहौर कलंदर को और पाकिस्तान को सर्व करेगा देखिए क्रिकेट में प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल काम है स्पेशली टी ट्वेंटी में तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है हमें कॉन्फिडेंस हमारे प्रोसेस के ऊपर है हमें कॉन्फिडेंस अपनी प्रेपरेशन के ऊपर है अपनी टीम के ऊपर है बट ऑन अ गिवन डे एनी बडी कैन वीन पी एस एल बहुत टफ कम्पिटिशन होता है इसमें यह प्रिडिक्ट करना कि हम जीत जाएंगे या एक्स वाई जीत जाएगा मेरा ख्याल में ये इतना रियलिस्टिक नहीं है इस पाकिस्तान सुपर लीग का एक सबसे बड़ा जो मसला है फ्रेंचाइज टीमों के लिए वो है खिलाड़ियों की दस्याबी बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो इवेंट शुरू होने से पहले ही पुल आउट कर गए हैं कुछ के साथ फिटनेस प्रॉब्लम है कुछ के साथ जो है वो नेशनल ड्यूटी का मसला है लेकिन अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो वो ख़ास मुतवाजन टीम नज़र आती है शादाब खान की कप्तानी में उनके पास खिलाड़ियों की भी अच्छी ख़ासी तादाद तजुर्बेकार खिलाड़ियों की मौजूद है जिनमें कॉलन मनरो है एलिक्स हिल्स आज़म खान इसके अलावा इमाद वसीम जो हैं वो कराची किंग्स से अब इस्लामाबाद यूनाट में आए हैं तो ये एक बड़ी बैलेंस टीम फ़ही अशरफ इस टीम का हिस्सा हैं सलमान अली आगा जो हैं वो इस टीम में शामिल हैं तो इस्लामाबाद की जो टीम है वो बड़ी बैलेंस नज़र आती है और फिर सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है इस मरतबा शायक के लिए वो है तीन भाइयों का एक साथ इस टीम में खेलना जी हाँ नसीम शाह उबैद शाह और हुनैन शाह ये तीनों भाई बैक वक्त हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड में नजर आएंगे रेड शर्ट के अंदर मुल्तान सुल्तान का फायर पावर भी बड़ा ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहा है रिजवान हैं कप्तान उनके अलावा तयब ताहिर खुश दिल शाह डाविड मलान ये वो खिलाड़ी हैं कि जो मुल्तान सुल्तान के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं लेकिन बॉलिंग के अंदर उनको झटका लगा है एहसान उल्ला जो पिछली पी के प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट थे वो अभी तक अपनी इंजरी से सेहतियाब नहीं हो सके हैं तो यकीनन मुल्तान सुल्तान को उनकी कमी शिद्दत से महसूस होगी इसके अलावा रीस टॉपली भी आ, बाहर हो गए हैं इस लीग से लेकिन शाहनवाज धानी जो बहुत ही एनर्जी ले आते हैं अपनी बॉलिंग से अपनी फील्डिंग से मैदान में जो है वो हर वक्त आपको एक्टिव नज़र आएंगे तो वो आ, मुल्तान सुल्तान स्क्वाड में शामिल हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इस लीग में अच्छी परफॉर्मेंस से वो एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टीम में वापस आ सकते हैं जी बिल्कुल पीएसएल के लिए काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि ये लीग माशाल्लाह दुनिया में काफ़ी फेमस है तो इसी परफॉर्मेंस काउंट होती है आप जब पाकिस्तान टीम में कम करते हैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होते है, तो इस हैं तो एज ए इंडिविजुअल मेरा यही एम है कि मैं पाक अपने मुल्तान सुल्तान को चैम्पियन बनाऊँ और जितने मैचेस जितवाऊँ उसमें मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो बिल्कुल जिस आ, साल हमारी टीम चैम्पियन बनी थी उसमें मेरा अलहमदुल्ला थोड़ा कंट्रीब्यूशन था और मैं एज़ अ बेस्ट बॉलर डिसाइड हुआ था तो बिल्कुल बहुत अच्छी मेमरीज हैं मुल्तान सुल्तान के साथ और जिस तरह का एटमोसफियर है हमारे कोचस की तरफ से कैप्टन की के तरफ से जो फ्रीडम है और अलहमदिल्ला एज़ ए फैमिली काफ़ी इन्जॉय किया है मैंने मुल्तान सुल्तान के साथ जी बिल्कुल जब पाकिस्तान टीम से आप ड्रॉप हो जाते हैं तो उसके बाद कंडीशन थोड़ी आपके लिए मुश्किल हो जाती है तो बिल्कुल मेरे लिए यही था क्योंकि लास्ट टाइम मैं पी के वेरी फर्स्ट मैच में इंजर्ड हो गया था और मेरा फिंगर का फ्रैक्चर हुआ मैंने सर्जरी करवाई उसके बाद बिल्कुल मैंने अपना क्रिकेट दोबारा स्टार्ट की और उसमें मैंने डोमेस्टिक मैच मैचेस खेले और अलहमदिल्ला थोड़ा बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन भी रहा उसमें तो बिल्कुल एक्साइटमेंट यही होती है कि अपना पी जो है उस अपने लीग में अच्छा परफॉर्म करें ताकि पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो क्योंकि आप देखें वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो उसके लिए टू बी वेरी एक्साइटेड फॉर कराची किंग्स की टीम नए कप्तान और नए कोच के साथ मैदान में उतरेगी जी हां शान मसूद जो इस वक्त पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं वो कराची किंग्स की क्यादत संभाले हुए हैं नए कोच आए हैं फिल सीमंस वेस्ट इंडीज़ के बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे बहुत ही ज़बरदस्त अपने करियर में उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो अब कराची किंग्स को कितना सूट करता है कितना आ, मतलब उनके लिए कारामत साबित होता है ये तो आने वाले दिनों में हमें मैचेस के दौरान पता चलेगा लेकिन बड़े पुरमाद हैं शान मसूद और फिल सीमंस के उनकी टीम जो है वो इस बार अच्छी परफॉर्मेंस देगी लेकिन झटका उन्हें भी लगा है क्योंकि उनके भी कुछ खिलाड़ी जो हैं वो दस्तियाब नहीं है जैसे पोलार्ड जो हैं वो चंद मैचों में उनके लिए दस्तियाब होंगे जुनूबी अफ्रीका के जो लेग स्पिनर हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर तब्रेश शमसी वो सिर्फ छः मैचों के लिए अवेलेबल हैं तो ये सूरत हाल भी जो है वो कराची किंग्स के लिए कोई अच्छी नहीं है तो अब देखते हैं कि कराची किंग्स जो पिछली पीएसएल में पाँचवें नंबर पर आई थी इस बार उसकी किस्मत बदलती है या नहीं Um, बहुत एक्साइटिंग uh, अपॉर्चुनिटी है uh, बहुत फख्र की बात है अपने होम uh, शहर के लिए खेलना और प्लस उसकी कप्तानी करना um, एक एक्साइटिंग चैलेंज है कराची एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और uh, पिछले कुछ सालों से उस जगह उन्होंने फिनिश नहीं किया जिधर कराची को हमेशा करना चाहिए तो आई थिंक हम सब के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है चैलेंज है कि हम कराची को जिन हाइट्स पर कराची को रहना चाहिए उधर इनशाला वापस लेकर जाएँ देखें आ, मुल्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी दी जिस तरीके से मुझे एज अ प्लेयर डेवलप किया आई थिंक मेरी क्रिकेट डेवलपमेंट में उनका बहुत हाथ है कोशिश यही होगी कि जो आप पहले करते हैं उन अपनी गलतियों से सीखें अपनी स्ट्रेंथ्स पे रहें और जो भी नई अपॉर्चुनिटी होती है उसमें और बेहतर परफॉर्मेंस दें तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो मुल्तान के लिए किया है कराची के लिए उससे भी बेहतर करें देखें हमारा एक तो रीबिल्डिंग का फेज़ है आई थिंक लोकल कोर जो कराची की थी जो कुछ प्लेस कराची किंग्स के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं जिन्होंने इस्टेब्लिश हुए हैं बाबर आजम थे माद वसीम थे मोहम्मद आमिर थे शहजील खान थे आमिर यामीन थे काफ़ी प्लेयर्स कराची ने लोकल के वो थे जो पाकिस्तान की कोर स्ट्रांग थी अब हम जरा सा हमने चेंज किया है आ, यूथ में बहुत इन्वेस्ट किया है एज़ फार एज़ लोकल कोर कंसर्न कुछ सीनियर प्लेयर्स ऐसे लाए हैं जिनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट प्रूव है जैसे हसन अली हो गए नवाज़ हो गए बट जो हमारे यंगस्टर्स हैंफात मिनहस हो गए साध बेग हो गया आ, फवाद खान हमारे आ, इमर्जिंग फास्ट बॉलर हैं तो हमने काफ़ी यूथ में इन्वेस्ट किया और ऑब्वियसली ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम इस साल एक एक्सक्यूज बनाएंगे कि रीबिल्डिंग है हम रीबिल्डिंग के साथ इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी अचीव करेंगे कराची किंग्स की तरह कोइटा ग्लेडिएटर्स की टीम भी नए कप्तान और नए कोच के साथ इस पीएसएल में हिस्सा ले रही है जी हां हेड कोच मुईन खान की जगह शेन वाटसन ने ले ली है और कप्तान सरफराज अहमद अब कप्तान नहीं रहे जी हाँ राइल रूसो उनकी जगह कप्तान बना दिए गए हैं लेकिन जिस अंदाज से सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया है उस पर सभी हैरान हैं एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कोटा ग्लेडिएटर्स के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी पहले दिन से वो इसके साथ रहे 80 मैचों में उन्होंने कप्तानी की 38 मैचेस जीते जो पी की तारीख़ में किसी भी कप्तान की सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है सबसे ज़्यादा जीते हुए मैच हैं कप्तानी हो या करियर हो सारी ज़िंदगी तो किसी ने नहीं खेलना लेकिन जो कहना चाहिए कि सीनियर खिलाड़ियों को अगर आप एग्ज़िट देते हैं तो वो भी बहुत ही बावकार अंदाज़ में होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमने देखा कि शेन वॉटसन ने भरी महफिल में खिलाड़ियों के सामने ये ऐलान कर दिया कि सरफराज अहमद जो है वो अब कप्तान नहीं रहे और राइले रूसो जो है जिनका कप्तानी का कोई तजुर्बा नहीं है उन्हें कप्तान बना दिया गया है मैंने एक महीने पहले ही कोयटा ग्डिएटर्स के जो मालिक हैं नदीम उमर साहब का इंटरव्यू किया था और उसमें सरफराज के मुस्तबिल के बारे में मैंने सवाल किया था आई थिंक सरफराज को जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अनसेरमोनियसली जगहों से हटाया गया हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा हीरो चाहे वो जैसे मैंने बताया कंपनी में भी काम करता हो उसकी खदमात हो तो आप एक तरीके से आप यू लेट गो ऑफ एम क्योंकि उसकी इतनी प्रीवियस तो चैम्पियंस ट्रॉफी जीती और बहुत से उसके आप देख लें टी ट्वेंटी में लगातार उसने तेरह चौदह मैच सीरीज हैं तेरह सीरीज, सीरीज नंबर तो पहुंचा जी है उसने पाकिस्तान तो में। बहुत से ऐसी चीज थे फिर आपने उसको जिस तरह एक सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट जब आपने तो वो चीज़ उसको आई थिंक उसने बहुत इफेक्ट किया इतने बड़े स्टेज पे ये पीएसएल देखा जाता है अब वो क्लब का तो हमारा मसला नहीं है तो सबकी इसमें आई थिंक इंडिविजुअली बुराई भी होती है अच्छाई भी होती है सरफराज ख़ुद उसने पैगाम दिया कि मैं चाहता हूँ कोयटा जीते ये उसकी बढ़ाई है जिस तरह आपने कहा ना मैं दस साल का भी जिक्र कर दिए तो अभी भी खेल सकता है लेकिन हम उसको एग्ज़िट देंगे ऑनरेबल जो होता है ना जहां तक कोयटा के कॉम्बिनेशन का ताल्लुक है तो इसमें जैसन रॉय और राइल रूसो दो तजुर्बेकार गैर मुल्की खिलाड़ी मौजूद हैं राइल रूसो मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी इससे पहले भी वो कोयटा की तरफ से खेल चुके हैं और बहुत शानदार उनका रिकॉर्ड रहा है आ, इस पी में अगर हम लोकल टैलेंट की बात करें लोकल खिलाड़ियों की बात करें तो उस सौ शकील हैं सरफराज हैं अबरार हैं वसीम जूनियर हैं लेकिन कोयटा को यकीनी तौर पर दो खिलाड़ियों की जो है कमी महसूस होगी हसा का जो श्रीलंकन स्पिनर हैं वो इस मरतबा भी शायद जो है वो अवेलेबल ना हो पिछली पी में भी वो नहीं खेले थे इसके अलावा फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन जो हैं वो अभी तक इंजरी से जो है वो सहतियाब नहीं हो पाए तो यकीन कोयटा को जो है वो इनकी कमी आ, महसूस होगी लेकिन कराची किंग्स से कोयटा ग्लिएटर्स में आए हैं मोहम्मद आमिर तो उनका अपना एक तजर्बा है तो अब देखते हैं कि ये तजर्बा जो है वो कोयटा के लिए कितने कारामत साबित होते हैं और आखिर में पिशावर जलमी का जिक्र हो जाए जी हाँ पिशावर ज़लमी का जब नाम आएगा तो एक ही खिलाड़ी का नाम जो है वो जहनों में आता है और वो है बाबर आजम बहुत ही कहना चाहिए कि ज़बरदस्त परफॉर्मर और एक बार फिर सबकी तवज्जो का मरकज है कि किस तरह वो परफॉर्म करते हैं पिशावर जलमी की तरफ़ से उनके साथ मोहम्मद हारिस हैं आसिफ अली हैं ये दो खिलाड़ी हैं जो आपको पता ही है कि जाराना बैटिंग के लिए शहरत रखते हैं और फिर साएं मयूब का जो टैलेंट है वो सबकी तवज्जो का मरकज़ होगा ट्रेनिंग सेशनस हमने किए हैं बहुत सारे और हमारी टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स भी सारे आ गए हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और इन यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं बल्कि एक्सपेक्ट नहीं कोशिश यही करेंगे पूरी कि इनशाला इस दफ़ा पी को जीतना है और यही हमारा टीम का अल्टीमेट गोल है प्रिपरेशन uh, के लिए हमें टाइम मिल गया था तो बहुत सारे सेशंस हमने किए हैं और जो थोड़ी बहुत चीज़ें आपने टॉपअप करनी होती हैं वो उस वो करने का हमें टाइम मिला और uh, सारे हम लोग जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब कॉन्फिडेंट हैं और एज अ टीम एज अ यूनिट हम लोग uh, बहुत कॉन्फिडेंट हैं बहुत सारी चीज़ें जो इन हमने अटैकिंग मूड से करनी है और इस टूर्नामेंट को जीतना है uh, नहीं प्रेशर तो ऑल द टाइम मैच में होता ही है बट उसको एब्जॉर्ब करना होता है और ज़्यादा कम की बात नहीं होती कि इस इवेंट के बाद अगर खेल रहे हैं तो ज़्यादा होगा या नहीं खेल के आ रहे तो ज़्यादा होगा प्रेशर हर वक्त एक जैसा होता है और उसको मैं कोशिश करता हूँ हैंडल करने की और फीलिंग काफ़ी कॉन्फिडेंट है और क्योंकि हमारी टीम का इन्वामेंट भी बहुत अच्छा है मैनेजमेंट और प्लेयर्स एमपावर किए जाते हैं तो इन श्लाई डू माई बेस्ट उनके साथ बैटिंग करते हुए uh, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है uh, जिस तरीके से लास्ट ईयर हम लोगों ने साथ में ओपनिंग की है तो इस साल भी मैं बहुत एक्साइटेड था उनके साथ बैटिंग करने में और अभी भी एक्साइटमेंट होती है जब सामने आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है और आपको जितना भी आप टीवी पे बैटिंग करते हुए देख लें अच्छे प्लेयर्स को बट आप मेरा जो एक्सपीरियंस है सामने से पिच पे बैटिंग करने का वो बहुत सारी चीज़ें स्लो मोशन में मेरे माइंड में चल रही होती हैं कि किस तरह वो खेल रहे हैं और क्या मैं इस चीज़ से सीख सकता हूँ तो जो मुझे सूट करती है मैं उससे आ, सारी चीज़ें उनकी बैटिंग से ले उनकी नहीं बल्कि सबकी बैटिंग से कोशिश करता हूँ कि जो मुझे शूट करता है वो मैं लर्न करूँ और अप्लाई करूँ देखते हैं कि साइम अयूब जो है इस पी में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न में जो भी ख़त्म हुआ है उसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी जिसकी बुनियाद पर वो टेस्ट क्रिकेट खेले अनफॉर्चुनेटली वो इतना अच्छा आगाज़ उनका नहीं रहा टेस्ट मैच में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वो वनडे टी सीरीज़ में भी खेले थे तो अब ये पी एस एल जो है वो जो है वो उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी क्योंकि ये साल फिर वर्ल्ड कप का साल है पाकिस्तान की टीम जो है वो इसी पी एस एल में जो खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसी की बुनियाद पर जो है वो तश्ील पाएगी तो हर खिलाड़ी की ये कोशिश होगी कि वो इस पी एस एल के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस दे और अपनी जो है वो जगह जो है वो पाकिस्तान की टीम में बनाए